मम्मी कितनी थकी थकी लग रही है ना दादा। हाँ सोई कहाँ होगी, मतलब वक्त ही नहीं मिला होगा ना। मेरी बात वाह क्या है? ये तो तुम बताओगी ना कि हुआ क्या क्या है। क्यों नहीं सोई तुम पूरी रात? क्या हुआ? क्या हुआ? पहले मुझे ये बताओ तुमने फैमिली मैसेजिंग ग्रुप पे क्या मैसेज किया था और फिर डिलीट क्यों किया? सुमान ऐसा क्या भेजा था तुमने जो तुम्हें डिलीट करना पड़ा? एक्चुअली मैंने बोला, अरे कोई ऐसा मैसेज था जो हम सबके लिए नहीं था इसलिए सुमान ने डिलीट कर दिया है ना सुमान? करेक्ट। मुझे अपना फोन दो, मुझे कुछ काम। बेगम तो ऐसी, वो बेगम ही क्या चुप नहीं पड़ो। मुझे अपना फोन दो, मुझे कुछ काम। अरे अरे वो बेगम ही क्या चुप नहीं शोर कर रही है। राइट अब मुझे अपना फोन दो, लाओ। देखो देखो सुमन मेरा फोन तो नहीं है सुमन, मेरा फोन दो सुमन। क्या हो गया आप लोग सब पैसे क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं तो तुम खाओ। लो अल्लाह वासना मेरी है रात में सोई नहीं तो वासना मेरी हो। अम्मी कितनी थकी थकी लग रही है ना दादा। हाँ अम्मी वो मैं, अरे दुआ कैसी बातें कर रही हो तुम बेचारी, सोई कहाँ होगी, मतलब वक्त ही नहीं मिला होगा ना। मेरी बात भैया थकी थकी भी बहुत लग रही है बेचारी ये भूख। हाँ थकी बहुत थकी हुई है। हाँ तो इसमें हैरत की बात क्या है, फिर मन्नत भी मुझसे ऐसे बिहेव कर रही थी और अब यहाँ आप सब भी। वाह क्या है, ये तो तुम बताओगी ना कि हुआ क्या क्या है। अरे क्यों नहीं सोई तुम पूरी रात और इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? अम्मी वो क्या कहावत है वो, हाँ नई दबोरी दुल्हन को खटमल ज़्यादा खाते हैं इसीलिए वो नहीं सोते। हाँ है ना, ऐसा सच में होता है? हाँ पर हमारे घर पे तो खटमल है ही नहीं अम्मी, पर हमारे घर में तो खटमल है ही नहीं अम्मी। अच्छा नहीं है अब? अरे और पर हमारे घर में तो खटमल है ही नहीं अम्मी। अच्छा नहीं है इबू, ये ना खास खटमल होते तंबक ताक लगाए बैठे रहते हैं, बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई लड़की दुल्हन बने और वो उसकी नींद हराम कर। वैसे ना पुराने वक्त में बड़े बुजुर्ग इन खटमलों को शौहर भी कहते हैं। मतलब ऐसा होता है वो? हाँ और हमने तो देखा है इतना बड़ा खटमल तेरे पीछे पड़ा है। नहीं दुआ मैं अपनी इबू से बात कर रही हूँ। आप भी ना इबू ये सब छोड़ो, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ लेकर जा रही हूँ, उसे इत्मीनान से नाश्ता कर। हाँ इबू नाश्ता मेरे साथ कर लेगी। रजिया कमरे में नाश्ता लगा दो, एक काम करती मैं खुद ही लेके जाती हूँ। मनु सुन, अरे इबादत रुक बेटा। अंत लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहू और बेटियाँ। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, सो गेट सेट गो।